सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कहाँ के रहने वाले? गौड़िया। आज इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठा है यहाँ पे, क्या मामला है? प्रधान जी सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे थे तो हम लोगों को कंफर्म हुई तो हम कहें कि वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहेब का वहाँ पे मूर्ति स्थापना कर दें, वही चंदा लगा कर लिया है, उस पर विवाद कर रहे हैं और रविदास जी के भी बाबा तो बैठाए हैं तो उनका भी पैसा निकाल लिए, खा गए, एक रुपया नहीं लगाए, बस झोपड़ी में आए वो एकदम खुला। लान भी बनवाए हैं तो सरकारी लान है और अपने जमीन पर बनवा कर अपना जमीन कर रहे हैं, बस गांव वालों को भड़काए हैं कि आज यहां का जो मामला है इसके बारे में बताइए। आज यहां का तुम्हारी ना बाबा साहब का तो बना रहे बैठा रहे, पुलिस आई है पूरा तोड़ फोड़ की है, ये और सोर फेंके गाली दी औरतों को, अब यहाँ पे पूरा मंदिर उठा मूर्ति उठा कर फेंक दी है। कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो आपके सामने है जो किया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली नाली की जमीन थी, सड़क से लगी हुई कुछ चौड़ी थी तो ग्राम प्रधान ने यहाँ पे मिट्टी डलवा दिया था। अपूर में ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे अपना कूड़ा करके डाला जाता था, जब मिट्टी डाल दिया गया तो इनको कुछ आशंका हुई जमीन कब्जे की नीयत से या कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कल रात में सुबह एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लाके अपना वो भी कहे कि हम भी मूर्ति रखेंगे, हॉस्पिटल रहे मूर्ति रहे, बट अभिलेखों का परीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया तो ये सिर्फ नाली है, कोई बंजर और कोई इस तरह की जमीन नहीं है जहाँ पे हॉस्पिटल या किसी तरह की मूर्ति को रखा जा सके। तो मौके पे आके मैं सीओ साहब और इंस्पेक्टर बबरी साहब सब लोग आए और इसको देखा गया और ये पाया गया कि ये नाली है तो तुरंत जेसीबी पर बुला के इसकी खुदाई शुरू की गई, इसको अपने जो मूल रूप में नाली के रूप में थी उसी में लाया जा रहा है और यहाँ पे किसी तरह की मूर्ति या किसी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं की जाएगी। तो विद्यालय के लिए अम्बेडकर जी के पार्क के लिए सबके लिए जगह चिन्हित होती है तो अगर यहाँ चकबंदी हुआ होगा तो यहाँ पे भी चिन्हित है, अगर नहीं हुआ होगा तो जब भी चकबंदी होगी तो इनके पार्क के लिए जगह अलग से चिन्हित हो जाएगी। हाँ तो अभी अभी इनको एक तरफ कराइए, अभी हम जेसीबी मंगा रहे हैं, जैसे नाली है जितना चौड़ी नाली वाली सब हम अभी खुदवाएंगे, ये सब विवाद नहीं कोई की अब ये तो प्राइमा फेसी प्रधान जी कौन है भाई? नहीं होता है ताव में आके नहीं होता है, हम कहें ना बैठेंगे हम कोई रास्ता निकालेंगे, ये अब पहले होता था कि मंदिर रख दिया हनुमान जी का एक पिंडी रख दिए तो अब हो गया वो नहीं हटाएगा कोई, अब वो जमाना गया, अब तो जेसीबी लगा के तोड़ के हाईवे बन रहा है, अब वो जमाना नहीं रह गया। लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे, हम आपसे बात किए हैं आपसे करेंगे बीच का रास्ता निकालेंगे कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे, अभी अभी बात हुई कि जेसीबी आ जाएगी तो हम हटा देंगे, अब जेसीबी आ गए शुरू हो गए अब आप लोग हटा दीजिए, आप लोग इसको हटा लीजिए, साहब ने आपको बुलाया है आइएगा, बात होगी जहाँ जमीन उपलब्ध हो जाएगी वहाँ जमीन आपको हाँ तो वहाँ हटा दीजिए समय कहाँ की रहने वाली है? गौड़िहार की। आज इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठा है यहाँ पे, क्या मामला है? अमन की यही मामला है जे हम लोग का रविदास जी ऐसे ही हमन तूफान लेके बैठौली तो नहीं कोई अथवा भयल, ऐसे ही रविदास जी के भी जब प्रधान जी लगना कब्जा कर एक कब्जा कर तो हम अम्बेडकर जी के जब लगना कब्जा कर तो हमन के कान में भनक गल, यहाँ काका वाला जेब यहाँ फ्लाट पर बेचत हुआ तो फ्लाट पर बेचत हुआ तो फ्लाट के मतलब में तो हमन रविदास जी अथवा अम्बेडकर जी का मूर्ति लिया के सरकारी जमीन पर हम लोग हावी जो में दूसर कहाँ डॉक्टरी बनी तो डॉक्टरी एठे बनी, जब डॉक्टरी का कोई अथवा नहीं तो डॉक्टरी भी बनवावे के तैयार हुआ ग्राम सभा नरहरपुर ग्राम सभा
सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।